आपकी सीवी बहुत आउटस्टैंडिंग है और हमें ऐसे ही कॉम्पिटेंट टीचर की ज़रूरत है। माशाल्लाह आपने हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और अभी एग्ज़ाम भी दिया और उम्मीद है कि उसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे। मिस माहम, हम आपको अपॉइंट करते हैं लेकिन हमारी एकेडमी में टीचर्स को छुट्टी करने की इजाज़त नहीं। सर मुझे भी नहीं पसंद। मिस माहम, अभी तो हमने आपको हमाद साहब के कहने पे आज बुलाया है। जी थैंक यू सर। लेकिन पहले हम आपका डेमो लेंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर में। थैंक यू सर, मैं आप लोगों को कभी मायूस नहीं करूंगी। थैंक यू। थैंक यू। तो सामने वाले से मीना को कपड़े दे आओ और उसे पैसे ले आना, जरूरत है। आप खुद दे के आ जाना प्लीज। मैं दे के आ सकती हूँ, तुम्हें क्यों कहती? मेरे जोड़ों में दर्द हो रही है, चला भी नहीं जा रहा। ठीक है जा रही हूँ, हर काम मुझे ही करना पड़ता। और ये सही तरह से शॉल ओढ़ो, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे ही शौक है ना सबसे बातें करने का, मैं ही तो करती हूँ। भाई अनम कहाँ जा रही हो, ना सलाम ना दुआ, पहले तो ऐसी ना थी। अरे हमीदा बहन, अनम बहुत बड़े बड़े काम करने लगी है, अब हम जैसे शरीफ लोगों से सलाम कहाँ लेंगी। सही कह रही हो भाई। कौन से बड़े बड़े काम? थाने जाना कोई मामूली काम नहीं है, मोहल्ले की किसी लड़की ने ऐसा काम ना किया जो तुमने कर दिखाया। तोबा तोबा, खुदा करे तुम्हारी बहनें तुम्हारी बेटियां थाने नहीं बल्कि जेल में जाके बैठे, मुसीबत ही पड़ गई है। खबरदार खबरदार जो अपनी गंदी जबान से हमारी बेटियों का नाम लिया। तुम कहाँ और हमारी बेटियाँ कहाँ? मैंने कोई जुर्म नहीं किया समझ आई? और बीबी किसी जुर्म के बगैर तो पुलिस थाने नहीं लेकर जाती ना। और तुम्हें पकड़ने तो पुलिस तुम्हारे घर से आके लेकर गई है, और किसी शरीफ औरत का थाने जाके वापस आना कोई कम बात नहीं होती। तुम दोनों से तो खुदा पूछेगा, इतना बड़ा बोहतान लगा रही हो मुझ पर, शर्म नहीं आती? बोहतान और इल्जाम ऐसे नहीं लगाए जाते। तुमने अपनी सहेली के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो किया है जो आज तुम्हारे किरदार पे उंगलियां उठाई जा रही है। जैसी सहेली वैसी तुम, आज वो घर से भागी कल तुम घर से भागोगी। ओए खबरदार, अब करो बकवास जो कर रही थी तुम। हम तो बस ये पूछ रही थी कि क्या मसला हो गया था जो पुलिस घर पर आ गई थी। पता नहीं तायमी ये दोनों क्या क्या फजूल बातें कर रही थी, तंज कर रही थी मुझ पे। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा, मैंने सुन लिया सब कुछ अपने कानों से। कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखा ना, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी और जबान भी खींच लूंगी। चलो दफा हो जाओ अंदर। चलो आओ नौशी, मैं तुम्हें चाय पिलाती।